यूपी की काउंसलिंग जो कि मोस्ट अवेटेड काउंसलिंग थी, क्योंकि सबसे कम बजट पे नॉर्थ इंडिया में मेडिकल कॉलेजेस, अगर आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चाहिए तो आपको उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। काउंसलिंग ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन 20 तारीख को चालू हो चुके हैं और अब चॉइस फिलिंग चालू होने वाली है, तो आप उसके लिए तैयार रहिए। वहीं राजस्थान में भी आपके पास रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराने की तारीख ऑलरेडी चालू हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन फीस अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई करना है तो 50,000 रुपीज, अगर आपको सेमी गवर्नमेंट सीट्स के लिए अप्लाई करना है तो 2 लाख रुपीज, और अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 5 लाख रुपीज आपको डिपॉजिट करने होंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, अपने अपने नेट बैंकिंग चालू करवा लीजिए, क्योंकि ना तो ये अमाउंट डेबिट कार्ड से जमा होगा और ना ही किसी और माध्यम से। इसके अलावा अगले 2 दिन जन्माष्टमी संडे और आज लास्ट सैटरडे की छुट्टी है, इसकी वजह से अगले 3 दिन तक बैंक भी बंद है, तो आपको अपने नेट बैंकिंग को चाहे आप खुद करें या अपने किसी रिलेटिव से कराएं, लेकिन आपको इसकी तैयारी रखनी है जिससे कि आपका पेमेंट सुचारू रूप से हो सके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पेमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप अपने अपने सोर्सेस पहले से ढूंढ के रखिए, जिससे कि वन शॉट आप 5 लाख रुपीज या 2 लाख रुपीज जो भी जरूरत हो अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी आप पेमेंट कर सके। अच्छी बात यह है कि इस बार ये पैसा आपके पास रिफंड नहीं आएगा बल्कि कॉलेज की फीस में एडजस्ट कर दिया जाएगा, तो आपको इसके लिए एक एक्स्ट्रा बर्डन नहीं रहेगा। तो ये था आज का अपडेट, मिलते हैं और नए अपडेट्स के लिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू।